फ्रेंड, सर्वर की तरह आज भी मैं बहुत सारे टेक न्यूज लेकर आ गया हूँ। और टेक न्यूज जो सारे है गर्मा गर्म है। और शुरू करने से पहले मैं आपसे यही चाहूंगा कि वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, और मेरा जो चैनल है लाल बटन है उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। तो सबसे पहला जो न्यूज आ रहा है वो है गूगल की तरफ से, और गूगल ने जो जीमेल ऐप है उसका डेवलप करके एक नया लुक दिया है, और इसका जो अपडेट है वो आज ही से रोलिंग आउट होना शुरू हो गया है। और सबसे पहला जो अपडेट आपको मिलेगा वो है एंड्रॉयड डिवाइस यानी एंड्रॉयड मोबाइल्स और टैबलेट्स पे। उसके बाद नेक्स्ट जो वीक्स है अपकमिंग वीक्स में आपको iOS डिवाइस यानी आईफोन और आईफोन का जो टैबलेट्स होता है आईपैड होता है उसमें भी आपको इसका जो अपडेट है वो मिलते रहेगा। तो ये जो अपडेट है इसके थ्रू आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर्स आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप अगर जीमेल चेक करने जा रहे हैं तो जीमेल को बिना ओपन किए हुए आप उसमें जो अटैचमेंट है उसको व्यू कर पाएंगे। जैसे फोटो हो गया, कोई फाइल हो गया, उसको आप चेक कर पाएंगे बिना जीमेल को ओपन किए या फिर स्क्रोलिंग किए। तो देखते हैं जीमेल को अपडेट करने के बाद इसका एक्सपीरियंस एक्चुअली में कैसा रहता है। और आप बिल्कुल वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए अगर आप जीमेल को अपडेट किया है तो कैसा आपको एक्सपीरियंस आया है, और अपडेट अगर नहीं हुआ है तो भी बताइए वीडियो के नीचे कमेंट करके। और आई होप अपडेट आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएगा, और आईफोन या फिर जो iOS डिवाइसेस है आईपैड है उनको भी अपडेट अपकमिंग वीक्स में मिल जाएगा, ऐसा ही गूगल का कहना है। दूसरा जो न्यूज आ रहा है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI से। तो कोलंबिया जो यूनिवर्सिटी है उसमें जो US इंजीनियर्स है उन्होंने डेवलप किया है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसके थ्रू आपका जो थॉट्स है सोचते हैं उसको AI की मदद से आप भी स्पीच में कन्वर्ट कर पाएगा। ये ऐसा टेक्नोलॉजी जो US का इंजीनियर्स है कोलंबिया यूनिवर्सिटी का उन्होंने डेवलप किया है। तो इस तरीके का AI का जो टेक्नोलॉजी आया है मुझे लगता है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आगे चल के, और देखना होगा आगे चल के ये जो AI डेवलपमेंट है वो कहाँ तक जाता है और AI की मदद से हम और भी क्या क्या कर पाएंगे। तो आप सोच सकते हैं हम जो अभी मैं सोच रहा हूँ वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आप जान जाएंगे, या फिर मैं जो करने जा रहा हूँ मैं जो आपके बारे में सोच रहा हूँ वो भी आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आपको मालूम हो जाएगा। तो ब्रेन का जो सिग्नल्स है उसको AI की मदद से ट्रांसलेट करना स्पीच में बहुत ही कह सकते हैं इंटरेस्टिंग चीज़ ये होने वाला है आगे चल के। दूसरा जो न्यूज़ आ रहा है वो है मीडे सेल से रिलेटेड। जी हाँ, मीडे सेल शुरू हो गया है फ्लिपकार्ट पे, और जिसमें आपको 28 जनवरी से आज यानी 13 जनवरी तक ये ऑफर चल रहा है जिसमें आपको रेडमी नोट 6 प्रो हो, नोट 5 प्रो हो, रेडमी 6A हो और या फिर आप पोको ए फोन हो, इन सभी फ़ोन में आपको अप टू 4000 रुपये का ऑफर आपको मिल रहा है फ्लिपकार्ट के थ्रू। तो आप फ्लिपकार्ट में जाके चेक कर सकते हैं ये ऑफ़र, और आज ही रात 12 बजे तक ये ऑफ़र अनेबल होगा, उसके बाद डिजेबल हो जाएगा। तो आप जाके चेक कर सकते हैं या फिर आप खरीद भी सकते हैं अगर आपको लेना है तो। और दूसरा जो न्यूज़ आ रहा है वो है Xiaomi Mi Max 4 और Mi Max 4 Pro से रिलेटेड। उसका जो स्पेसिफिकेशन है वो लीक होके आ गया है, और Mi Max 4 और Mi Max 4 Pro ये दोनों ही फ़ोन जो है वो मैसिव डिस्प्ले यानी 7.2 इंच का डिस्प्ले साइज के साथ ये फ़ोन आने वाला है। और इसका जो रियर कैमरा, अगर प्राइमरी रियर कैमरा की बात किया जाए वो 48 मेगापिक्सल का होने वाला है। तो थोड़ा बहुत अगर मैं Mi Max Pro का स्पेसिफिकेशंस देखूँ तो इसमें आपको दोनों ही तरफ गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है, उसके साथ ही यूनिक ग्लास बॉडी डिजाइन आपको देखने को मिलेगा, और मैसिव 7.2 इंच का तो डिस्प्ले के साथ ही आपको इसमें स्नैपड्रैगन 660 का SoC भी मिलेगा। और अगर वेरिएंट की बात किया जाए जो Mi Max 4 है वो 4GB रैम 64GB रोम या फिर 6GB रैम 64GB रोम या फिर 6GB रैम 128GB रोम तीनों वेरिएंट में आपको मिल जाता है। और Mi Max 4 Pro जो है उसमें आपका अगर स्पेसिफिकेशन देखे उसमें आपको स्नैपड्रैगन 675 SoC दिया जा रहा है, और इसका अगर वेरिएंट की बात की इसमें आपको 6GB रैम 64GB रोम, 6GB रैम 128GB रोम और 8GB रैम 128GB रोम के साथ तीनों वेरिएंट में ये फ़ोन आता है। और इस फ़ोन में आपको 48 मेगापिक्सल का सोनी IMX586 सेंसर्स इसमें दिया गया है, और सामने की तरफ आपको 20 मेगापिक्सल का शूटर भी दिया गया। तो इन दोनों फ़ोनों का जो स्पेसिफिकेशन लीक होकर आ गया है वो काफ़ी Honor V20 से मैच करता हुआ मुझे लगता है। और कैमरा की अगर बात करें इसमें भी 48 मेगापिक्सल का सोनी IMX सेंसर यूज़ किया गया है 586। तो देखते हैं ये फ़ोन कब इंडिया में आता है।
और मी मैक्स 4 का जो प्राइस सामने निकल के आया है वो है 4 GB रैम, 64 GB वाला जो वेरिएंट है उसमें आपको मिलता है 17,000 रुपये में, जो और जो 6 GB रैम और 64 GB वाला ऑप्शन है वो आपको 19,500 रुपये में मिलता है। और उसके बाद आपको 128 GB वेरिएंट में अगर आप जाते हैं तो उस वो आपको मिलता है 21,500 रुपीज़। और जहाँ तक बात है मी मैक्स 4 प्रो का प्राइस का, वो अभी अवेलेबल नहीं है। तो मी मैक्स 4 का प्राइस आप सुन ही चुके हैं, और ये फ़ोन मुझे लगता है कि जो प्राइस के हिसाब से देखें तो शाओमी लगभग एक हर एक फ़ोन में एग्रेसिव प्राइस में लॉन्च करता है। और ये फ़ोन अगर इंडिया में आता है तो हॉनर व्यू 20 को एक कड़ा टक्कर देने के लिए तैयार होगा। तो मुझे लगता है बहुत ही जल्दी ये फ़ोन इंडिया में आने वाला है शायद, और जब भी आएगा मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म कर दूंगा। और दूसरा न्यूज़ आता है स्मार्टफोन मार्केट शेयरिंग से, और 2018 का जो एक सर्वे किया गया है उसमें सामने आया है कि सैमसंग जो है एलईडी प्रीमियम जो स्मार्टफोन होता है उसका शिपमेंट अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा शेयर सैमसंग का है, जो 34% शेयर मार्केट का वो ले चुका है, और 34% शेयर लेके वो सबसे पहले स्थान पे आता है सैमसंग। और उसके बाद अगर कोई ब्रांड है वो है वन प्लस 33% जो मोबाइल शिपमेंट है उसका अगर परसेंटेज देखें तो 33% शेयर लेके वो सेकंड पोजीशन है पर है, और थर्ड पोजीशन पे है एप्पल जो 23% मार्केट शेयर लेके वो थर्ड पोजीशन में रहता है। तो मुझे लगता है सैमसंग अभी 34% शेयर लेके फर्स्ट पोजीशन पे है, और जहाँ तक बात है वन प्लस 33 तो दोनों में गैप बहुत ही कम है, और आगे चल के देखते हैं कि कौन ये जो फर्स्ट पोजीशन है वो बनाए रखता है और 2019 में क्या खेल दिखाता है। दूसरा न्यूज़ जो आ रहा है वो है इंटरनेट स्पीड से रिलेटेड। इंडिया में अगर इंटरनेट स्पीड की बात किया जाए तो एक सर्वे निकल के आया है जहाँ पे ये बताया गया है कि सुबह 4 से 5 बजे तक इंटरनेट स्पीड बहुत ही ज़्यादा रहता है, और लगभग एक स्टडी से जो निकल के आ गया है आप रात के 10 बजे जो इंटरनेट स्पीड पाते हैं उसका 5x यानी 5 गुना ज़्यादा स्पीड आपको सुबह 4 से 5 बजे के अंदर मिलता है। तो अगर आप कोई स्ट्रीमिंग या फिर कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए तो आप सुबह 4 से 5 बजे आप ये कर सकते हैं जो सर्वे से निकल कर आया है। तो देखते हैं आगे चल के इंटरनेट स्पीड जो है वो 4 से 5 बजे जो स्पीड मिलता है ये हर टाइम पे इंडिया में मिल पाता है कि नहीं है। वैसे तो 5G भी बहुत जल्दी आने वाला है, 2019 चल रहा है अभी, और देखते हैं 2019 में 5G आने के बाद इंटरनेट स्पीड में इंडिया में सुधार आता है कि नहीं। दूसरा जो न्यूज़ आ रहा है वो है एसुस जेनफोन मैक्स प्रो M2 से रिलेटेड, और एसुस जेनफोन मैक्स प्रो M2 का टाइटेनियम एडिशन जो है वो इंडिया पे लॉन्च हो गया है, और फ्लिपकार्ट के थ्रू आप इसको बाय कर पाएंगे अगर आप इंटरेस्टेड है एक नए कलर ऑप्शन के लिए, या फिर आप इंतज़ार कर रहे हैं कि एसुस मैक्स प्रो M2 का एक नया कलर चाहिए तो आप टाइटेनियम एडिशन जो वो है वो आप ले पाएंगे। इसके पहले ब्लू एडिशन था और उसके बाद टाइटेनियम एडिशन जो है वो एसुस ने लेकर आ गया M2 सीरीज़ में। तो फ्लिपकार्ट में आप ये फ़ोन बाय कर पाएंगे। इसका प्राइस स्टार्ट होता है 13,000 रुपये से, जो आता है 3 GB रैम और 32 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। तो आप देख सकते हैं फ्लिपकार्ट पे अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और दूसरा जो न्यूज़ है वो भी एसुस से रिलेटेड है। एसुस इंडिया में आज 3 लैपटॉप लॉन्च कर चुका है, जो है एसुस जेनबुक 15UX533, जेनबुक 14UX433 और जेनबुक 13UX333 या फिर 333 भी कह सकते हैं। तो ये जो 3 लैपटॉप है वो इंडिया में आज लॉन्च हो चुका है, और ये तीनों लैपटॉप जो है जिसको एसुस ने कहा है कि वर्ल्ड स्मॉलेस्ट लैपटॉप, ये पहला लैपटॉप है जो वर्ल्ड स्मॉलेस्ट है, एसुस ने ये दावा किया है। और इसका अगर थोड़ा बहुत स्पेसिफिकेशंस को देखें तो आप 15.6 इंच के साथ ये लैपटॉप आता है, और बहुत ही आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यूनिक डिज़ाइन है, बेजललेस है आप कह सकते हैं। और इसका जो प्राइस अगर देखें तो इन तीनों लैपटॉप का प्राइस जो है वो 71,990 से शुरू होता है जो बेस वेरिएंट है उससे, और आप तो इसका जो प्राइस जाता है वो है 1,39,900 रुपीज़। तो अगर प्राइस को देखें तो प्राइस बहुत ही ज़्यादा महंगा कह सकते हैं तीनों लैपटॉप का। और आप अमेजोन फ्लिपकार्ट पेटीएम और ऑफलाइन स्टोर में ये जो लैपटॉप आप ले पाएंगे अगर आप लेना चाहते हैं। अगर स्टोरेज की बात किया जाए तो 256 GB से लेकर 512 GB या फिर 1 TB SSD का ऑप्शन इस लैपटॉप में आपको मिल जाता है, और साथ ही फुल साइज HDMI पोर्ट और माइक्रो SD और SD कार्ड रीडर का ऑप्शन भी आपको इस तीनों लैपटॉप में आपको मिल जाता है।
इस लैपटॉप की अगर रैम की बात किया जाए तो आपको 8 GB से स्टार्ट होता है, 16 GB तक जाता है रैम का अगर बात किया जाए। अगर ग्राफिक्स की बात किया जाए तो इसमें आपको एनवीडिया का जी फोर्स GTX 1050 मैक्स क्यू ग्राफिक्स इसमें मिल रहा है। मुझे लगता है कि प्रीमियम लुकिंग लैपटॉप ये है, पर प्राइस को देखे तो प्राइस मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा रखा गया है। तीनों लैपटॉप ब्लू और सिल्वर कलर ऑप्शन में अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं अगर आप एक प्रीमियम लुकिंग लैपटॉप चाहते हैं तो ये लैपटॉप आपके लिए इंटरेस्टिंग साबित हो भी सकता है। तो फ्रेंड्स यही था आज का टेक न्यूज़। अगर टेक न्यूज़ पसंद आया है, और बहुत सारे टेक न्यूज़ मैंने बोला है आज, अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो लाल बटन है इसको दबा दीजिए, और वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आज के लिए वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, कल और एक नया वीडियो के साथ मैं आऊँगा, और टेक न्यूज़ हर दिन मैं लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। तो फिर से कल मुलाकात होगा और एक नए वीडियो में, तो कल तक इंतज़ार कीजिए। तो आज के लिए वीडियो यही ख़त्म होता है। जय हिंद, वंदे मातरम।